सो ही फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप, उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूं। सो यार, आई एम आलिया सिद्दीकी विद माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं आई हूं मलाड और मैंने सुना है कि यहाँ पर शॉपिंग सेंटर भी है और बहुत सारी स्ट्रीट फूड्स है, तो हम वो आज सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे, खाएंगे, देखेंगे, कपड़े देखेंगे, उनके प्राइजेस निकालेंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट तक मेरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपको वीडियो कैसे हो चुकी हो मलाड मार्केट में। और पहले हम मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जब हमें भूख लगेगी तो हम फूड टेस्ट करेंगे यहाँ पर स्ट्रीट फूड जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट से। हाय, क्या प्राइस है इनके? 250 से स्टार्ट है। सो ये लेडीज वेयर है या जेंट्स? लेडीज मार्केट है। क्या प्राइसेस स्टार्ट है आपके पास? लेंगे कितने? 2000। ये ड्रेसेस है, साड़ीज है, क्या प्राइस से स्टार्ट है? 500 से, 300 से स्टार्टिंग है। 300 रुपये का टॉप है। और अंदर भी आ जा, ये भी 300 रुपये के टॉप्स। और ये सारे टॉप्स टाइप में या कुर्तीज टाइप है? लॉन्ग टॉप कुर्तीज में ये सब आएंगे, कुर्तीज में ये सब। ये कुर्तीज है, ये 200 की कुर्तीज, 200 और ये 300 के सब टॉप है, शर्ट्स है, लेडीज शर्ट्स है। ये 150 रुपये की, 150, ये 150 में। मतलब बार्गेनिंग होती है या फिक्स प्राइस है आपका? आप बार्गेनिंग होती है ना, थोड़ा बहुत कर लेते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, और ये भी सब 400 के थोड़ा बहुत हो जाता है। इसका प्राइस क्या है? 350। अच्छा, 300 आएगा, 1 पीस बनी। क्या नाम बताया आपने आपकी शॉप का? हम तुम कलेक्शन। ये बनारसी साड़ीज है? सब अलग अलग है, अलग अलग है। 9 ग्राम सिल्क है, बनारसी नहीं है, मतलब फैंसी आइटम है। तो ये मतलब वैसे दिख रही है ना बनारसी टाइप? हाँ, ये 9 ग्राम सिल्क है। अच्छा, क्या प्राइस है स्टार्ट? 24,500। बाप रे, काफी महंगा नहीं है? बार्गेनिंग बार्गेनिंग होती है या नहीं? होती है ना, तुम वीडियो में आओगे मस्त चलेगा, मेरे को अलाउ है। थैंक यू अंकल। क्या प्राइसेस से स्टार्ट है आपके पास? 1500 मैडम। 1500? हाँ। और बार्गेनिंग करते हो या नहीं? नहीं, बार्गेनिंग नहीं है। 1500 में नहीं करते, फिक्स प्राइस है। अच्छा, फिक्स प्राइस है। हमारा शॉप है ड्रेस मटेरियल। हमारा भाई को भी फोटो का शौक है, सब ऑल टाइप्स ऑफ कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक, फैंसी वेयर। क्या रेट से स्टार्ट है आपके पास? 500। 500 से स्टार्ट है? 500 टू 10,000। अरे बाप रे, इतने हाई हाई रेंज में आपके पास? हाँ, हैवी रेंज में भी है। 2000 से स्टार्ट है और एंड 6000 तक, लास्ट है 6000। इसके ऊपर भी है ना, है ना ऊपर, एंड 25,000। अच्छा, तो डिस्काउंट होता है या फिर बार्गेनिंग ये सब होता है? 25% डिस्काउंट। 25%। अच्छा, क्या प्राइस से स्टार्ट है भाई आपके पास? लेंगे 2000 से स्टार्ट है और एंड प्राइस क्या है? 10,000 तक लास्ट है। बार्गेनिंग होती है या नहीं? आलिया डिजाइनर वेयर, मेरे ही नाम से चला है। अच्छा, तो क्या प्राइस से स्टार्ट है आपके पास? 1500 और एंड प्राइस क्या है? एंड प्राइस 4000 तक। 4000 तक है लास्ट प्राइस आपके। ये गाउन है, सारे गाउन लेंगे, सब वैरायटी। तो बार्गेनिंग होती है या फिर फिक्स प्राइस है आपका? मलाड मार्केट है, बार्गेनिंग महंगी भी तो है काफी। थैंक यू। आपके मलाड में ना कस्टमर का वो मतलब कैसा भाव होता ही है। अच्छा, मतलब आप ऐसे जाने नहीं देते निराश करके कस्टमर आते हैं आपके पास? अलग अलग साइज है। स्टार्टिंग रेट
स्टार्टिंग रेंज मेरे पास 500 से 500 और एंड प्राइस मेरे पास 5000 तक 5000 तक दिखा दो इनको दो चार पैटर्न और दिखा दो ये सारी सलवार कमीज टाइप है हाँ ये सेट में आएगा दिखा दो सब वैरायटीज मिलेगी आपको एक्चुअल प्राइस क्या है इसका एक्चुअल प्राइस क्या है मतलब 500 वाला भी है 950 वाला भी है मतलब एंड प्राइस आप मतलब क्या प्राइस पे खत्म होता है आपके ड्रेसेस खत्म होता लास्ट लास्ट क्या प्राइस है स्टार्टिंग क्या रेट है क्या एंडिंग क्या रेट है स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता दो 500 स्टार्टिंग है हाँ और 1600 लास्ट है अच्छा 1600 लास्ट है तो ये सारे उसमें है प्लाजो और गाउन प्लाजो गाउन सब है सब अवेलेबल है क्या इसका क्या प्राइस है ये वाला 350 का डेनिम जैकेट 100 रुपीज़ की साइड और 450 कौन सा चैनल का नाम क्या है 350 का डेनिम जैकेट ये क्या है टी शर्ट है 200 रुपीज़ का स्टॉल है ये तेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है क्या देखो कैसी लग रही है क्या प्राइसेस से स्टार्ट है आपके पास 400 से स्टार्टिंग प्राइस 400 से स्टार्ट है और एंड प्राइस क्या है 1000 रुपीज़ एंडिंग प्राइस है तो बार्गेनिंग या डिस्काउंट होता है या फिर ऐसे होता है स्टार्टिंग तो 400 उसमें नहीं होगा 1000 में बार्गेनिंग हो जाएगा अच्छा तो ये सब सारे प्लाजो टाइप में या फिर इसमें वैरायटी बहुत आती है इसमें जैसे पैंट होता है गरारा होता है लहंगा होता है बहुत सी वैरायटी होती है जो इधर आइए आप आगे देखिए ये बहुत सी वैरायटी होती है गाउन होते हैं दुपट्टे वाले लखनऊ स्टाइल होते हैं ये जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो ये सब ये ऑनलाइन वाले प्रोडक्ट है मेरे पास ये जितने भी आप जाओगे गूगल के ऊपर तो ये सब वो वैरायटी यहाँ मिलेगी मेरे पास अच्छा थैंक यू आपकी दुकान का नाम अल्फा कलेक्शन ये सारे गाउन में है या प्लाजो टाइप में है नहीं गाउन में भी है ये सेट वाइज आएंगे पूरे ये प्लाजो सेट आएंगे ये गाउन आएंगे शॉप का नाम स्टाइल स्टेट 107 300 से स्टार्ट है और एंड प्राइस 750-800 सब अलग अलग क्वालिटी तो ये हर टाइप की वैरायटीज आपके पास हर टाइप की क्रॉप टॉप ये सारी चीजें टॉप है शर्ट मिलेगा भी मिलेगा जीन्स भी अपने पास शॉप का नाम आपके रफ्तार कलेक्शन क्या प्राइस से स्टार्ट है आपके पास 350-400 कुर्ती स्टार्टिंग 500 से ये सब कुर्ती लेंगे ना 500 से स्टार्टिंग टॉप लेंगे ना 300 टॉप लेंगे ना वेस्टर्न टॉप 300 से स्टार्टिंग है जैकेट लेंगे ना सब जैकेट 400 से स्टार्टिंग है अच्छा और जीन्स भी अपने पास जीन्स है ना 350 से स्टार्टिंग है क्या प्राइस से स्टार्ट है आपके पास वी आर होलसेलर टेक ऑल 15 कोई भी 1500 में ले सकते हो आप 1500 हाँ ये मेरे पूरे मार्केट में हमारी एक ही शॉप ऐसी है जो 1500 में आप कोई भी ले सकते हो अच्छा और एंड प्राइस मतलब वही 1500 ही है हाँ जी 1500 ही है तो बार्गेनिंग नहीं होती होगी जरूरत ही नहीं बार्गेनिंग की ये सब हैवी रेंज के पीसेज है आपको 1500 में मिल जाएंगे गाउन ब्यूटीफुल ठीक है सेम प्राइस 1500 अंदर से भी कोई भी ले सकते हैं 1500 में हमारे कभी भी दाम बढ़ते नहीं वैसे के वैसे ही सो ये गाउन लहंगा एंड शरारा है सर गाउन लहंगा शरारा गरारा ऑल वैरायटीज मिलेगी हमारे पास और कपड़ा सॉरी कपड़े मतलब कौन से कपड़े में जॉर्जेट मिलेगा नेट भी मिलेगा सिल्क भी मिलेगा आपको सब वैरायटीज मिलेगी ओके थैंक यू और आपकी शॉप का नाम मेरा शॉप का नाम एसआर क्रिएशन है So can you tell me what's the starting price? Yes, starting price 2000 rupees. 2000 yeah, rupees and it's ending? All designer kind of. अच्छा तो ये डिफरेंट है हाँ जी वो होलसेल है होलसेल है ये रिटेल शॉप है यहाँ पे आपको सब स्टैंडर्ड लेवल की मिलेंगे और सब स्टोर के आइटम मिलेंगे मोस्टली आपको ओके सो ये बुटीक है समथिंग या बुटीक वेयर या यू आर राइट परफेक्ट बुटीक वेयर स्टाइल ओके सी दिस वन ओनली वन पीस दिखा देता हूँ ये देखिए ये बुटीक वेयर में आपको कम से कम नहीं तो 5000 के नीचे नहीं मिलेगा ये प्योर जॉर्जेट पे कराची वर्क है ये आपको यहाँ पे सिर्फ 2500 में मिल जाएगा दिस वन ओके तो इसमें भी बार्गेनिंग नहीं होती होगी रही नहीं इसमें आपको लिटिल बिटल 10% बार्गेनिंग मिलेगी दैट्स इट इससे ज़्यादा नहीं
हाँ ये बात है। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम। क्या प्राइसेस स्टार्ट है आपके पास? स्टार्टिंग फ्रॉम 500 ऑनवर्ड्स अप टू 6, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 ऑनवर्ड्स अप टू 10,000, ऑल टाइप ऑफ रेंजेस भी है हमारे। ब्राइडल एंड ऑल? या ब्राइडल डिजाइनर वेयर सारीज कैटलॉग पीस ऑल दैट। सो दिस इज ऑल बुटीक और नॉर्मल? दिस इज ऑल बुटीक कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स यू विल गेट। ओके, बनारसी सिल्क शालू एंड नवारी साड़ी, स्पेशलिस्ट इन नाइन यार साड़ी, स्पेशलिस्ट इन डिजाइनर वेयर बांधनी साड़ीज। बड़े पीस को लाओ, सी जस्ट हैव अ लुक, दिस इज प्योर गज सिल्क। Which type is this? This is kaji bandhani silk, pure silk. Okay. Botapatti embroidered work. Okay. All over whole sari work is there, provided with blouse piece. Okay. Nice designer collection. Okay. Yes. So this is all for bride? Yeah, bridal or even you can wear for wedding occasion also. Parties wear? Yeah, two in one. You can wear for bridal occasion also and party wear also. Also. Okay, thank you so much. Yeah, welcome ma'am. Your shop name? My shop name is Ramesh Textoria ma'am. Okay. A few moments later. So, after roaming for an hour, I just came inside Parmanand Hotel, और ये काफ़ी famous hotel है यहाँ पर मलाड में। तो मैंने सोचा पहले यहाँ का taste करते खाना कैसा है। तो अभी मैंने order किया है मसाला डोसा। तो मसाला डोसा taste करके देखती हूँ कैसा है। आज मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ बिकॉज ये मार्केट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी बड़ी मार्केट है मलाड मार्केट के, हर टाइप की वैरायटीज़ अवेलेबल मिलेगी यहाँ पर आपको। बुटीक के सामान मिलेंगे, नॉर्मल सामान मिलेंगे, टी शर्ट्स मिलेंगे, शर्ट्स मिलेंगे, जीन्स मिलेंगे, हर चीज़ें जो आपको चाहिए हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेगी आपके पास। और हमें सारी इसके भी हमने कहीं ज़्यादा पैटर्न देख के आते हैं जो काफ़ी रीज़नेबल भी है और थोड़े हाई कॉस्ट प्राइसेस भी है। ब्राइडल के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे, आप ब्राइडल अगर ब्राइडल का जो भी है तो ब्राइडल का भी आपको आप लुकआउट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट है तो काफ़ी अच्छे लगे आपके। जो मैंने मंगाया था वो आ चुका है। सो ये रहा मेरा डोसा, अब मैं इसको जा रही हूँ टेस्ट करने। सो ये माय फर्स्ट बाइट। काफ़ी टेस्टी है। यहाँ मेरे दो चटनी दी गई है, एक सांभर है और एक खोपरे की चटनी है। तो सांभर तो मैं खाती नहीं हूँ, मुझे ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और काफ़ी अच्छा है। ये जलेबी है अंकल, ऐसे अलग टाइप की फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ऐसी जलेबी। सो यह दिस माई कचौरी और आप इसके ऊपर देख सकते हो कि इन्होंने कैसे प्लेटिंग की है ऊपर, अच्छा डेकोरेशन किया है। इसके अंदर दही है और पूरी है और अंदर और भी स्टफिंग्स हैं, तो खा के देखते हैं। काफ़ी टेस्टी है। काफ़ी ज़्यादा स्टफिंग्स हैं उसके अंदर। और टी के साथ कचौरी टेस्ट की है, वो काफ़ी मज़ेदार थी, बहुत स्वादिष्ट थी। उसके अंदर सेव था, चटनी थी,
और आलू डाले हुए थे और बहुत अच्छी उसको मतलब अच्छे से सजा कर उसको दिया था, काफ़ी टेस्टी थी। तो अभी तो मेरा मन भर गया इसे खा के, तो अभी आइसक्रीम टेस्ट करते हैं यहाँ पर। बनाइए बनाइए अरे ना बना मुझे मत दिखाओ। चॉकलेट है? चॉकलेट वनीला। थैंक यू। सो दिस इज माय चॉकलेट वनीला आइसक्रीम एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट इट नाउ। काफ़ी टेस्टी है, बहुत स्वीट है। और अभी मैं कहाँ पर हूँ? MM मिठाई वाला, MM मिठाई वाला अंदर शॉप में। और ये उनकी आइसक्रीम है अंदर, काफ़ी टेस्टी है। आपको यहाँ पर दो फ्लेवर अवेलेबल मिलेंगे, वैनिला और चॉकलेट। तो मैंने जो है चॉकलेट टेस्ट किया है, सो इट्स रियली फैंटास्टिक और बहुत अच्छा है। तो आज का व्लॉग आपने देखा होगा, बहुत ही अमेजिंग था। मैं मलाड़ मार्केट घूमी, काफ़ी बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छे प्राइजेस भी है, रीजनेबल भी मिलेंगे और महंगे प्राइजेस भी है। फिर हमने यहाँ पर MM का जो फूड स्टॉल है वो चेक किया, वो भी काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग प्राइजेस में, और आपको अच्छे अच्छे मतलब जो डिशेज़ है वहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो मैंने जैसे कचौरी टेस्ट किया, मैंने डोसा टेस्ट किया, आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है यहाँ पर, तो मैंने आइसक्रीम भी खाई जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगी। तो सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर आप आ रहे हो शॉपिंग करने तो MM का खाना खाना मत भूलिएगा, बिकॉज वो बहुत अच्छा टेस्टिंग है और बहुत अमेजिंग है। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे और भी मोटिवेट कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखिए अपना एंड प्लीज़ मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आ रहे हो तो मास्क लगाना मत भूलना। टेक केयर।